हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बाज नहीं आ रहा, चाइना और अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के चीनी नाम कर दिए जारी। जी हाँ, बताएंगे उसके बाद एक्सपर्ट ने दिलाई चाइना को तिब्बत की याद, लगाई फटकार, बताएंगे क्या कहा। साथ ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक ने दी भारत को बहुत बड़ी चेतावनी, कहा हिंदुस्तान को S-400 मिसाइल भी नहीं बचा पाएगी। बताएंगे आखिर इन्होंने इतनी बड़ी धमकी क्यों दी है दोस्तों भारत को। साथ ही साथ सरकारें हो या फिर शख्स हो, लक्ष्मण रेखा कोई पार ना करे, आतंकी पन्नू पर अमेरिकी राजदूत के बयान के बाद जयशंकर जी ने दिया करारा जवाब, बताएंगे क्या कहा। साथ ही साथ केजरीवाल के बाद अब आतिशी होंगे गिरफ्तार। जी हां, केजरीवाल ने लिया आतिशी का भी नाम, बताएंगे क्या है। अभी की बड़ी खबर, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और खबर में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां बाज नहीं आ रहा, चाइना और अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम किए जारी। अरुणाचल पर चीन ने 7 साल में चौथी बार दिखाई हिमाकत, जिसके बाद एक्सपर्ट ने दिलाई उसको तिब्बत की याद, लगाई फटकार। पूरी बात बता दे, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करने की चीन की हालिया कोशिशों के बीच बीजिंग ने भारतीय राज्य में विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी कर दी है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने की कवायद को भारत खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि ये राज्य देश का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रखने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को बताया कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी कर दी। चीन की इस हिमाकत पर एक्सपर्ट ने चीन को तगड़ी फटकार लगाई है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने कहा कि भारत को चीन को याद दिलाना चाहिए कि उसने अंतरराष्ट्रीय कानून का मजाक उड़ाकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया है और अब वो तिब्बत पर कब्जे का विस्तार अरुणाचल तक करना चाहता है, जिसे भारत कभी अनुमति नहीं देगा। चेलानी ने भारत को सलाह दी है कि उसे चाइना को साफ साफ समझा देना चाहिए कि असल बात तो यह है कि बीजिंग खुद तिब्बत पर कब्जा करके भारत का पड़ोसी बना बैठा है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को बताया कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में इस राज्य पर अपना दावा करता है। मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर क्षेत्र के लिए 30 अतिरिक्त नाम पोस्ट किए गए, यह सूची 1 मई से प्रभावी होगी। जी हाँ, अब ऐसे में चाइना इन 30 जगहों और इससे पहले भी 6 जगहों के उसने नाम बदले थे और लगातार नामों को बदल करके वो दिखाना चाहता है कि उस पर उसी का अधिकार है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इसी तरह से भारत को भी चीन को करारा जवाब देना चाहिए। अगर आप देखें तो एक चीज और क्लियर हो रहा है कि नाम वही बदलते हैं जिनको लगता है कि कोई चीज नई नई उनको मिली है या फिर किसी चीज पर वो कब्जा करेंगे। लेकिन भारत की बात करें तो वो सारे क्षेत्र भारत के हिस्से में आते हैं, भारत का ही वो क्षेत्र है। ऐसे में भारत को नाम बदलने की आवश्यकता कतई भी नहीं। बहरहाल आपकी क्या राय होगी, क्या भारत को भी नाम बदलकर चीन को करारा जवाब देना चाहिए या फिर वही नाम रखे जाने चाहिए जिससे ये पता चल सके कि पुराने नाम है और ये भारत के ही क्षेत्र थे। जो नाम बदलता है उसी के अंदर कोई ना कोई चोरी होती है। अगली खबर बता दें, हिंदुस्तान को S-400 मिसाइल भी नहीं बचा पाएगा। जी हां, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक ने दी भारत को बहुत बड़ी तबाही की चेतावनी। जी हां, पाकिस्तान ने भारत को लेकर अपनी परमाणु नीति घोषित कर दी और ऐसे में भारत पर भी दबाव बन रहा है कि वो पाकिस्तान को लेकर अपनी परमाणु नीति घोषित करे और अपने पुराने पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं की नीति को बदले। भारत पर अब दबाव इस बात को लेकर भी बन रहा है कि वो अपनी आदर्शवादी रणनीति को बदलते हुए अपने परमाणु हथियार भंडार में छोटे छोटे परमाणु हथियारों को शामिल करें ताकि परमाणु युद्ध की हालत में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसे 1 सेकंड भी सोचना ना पड़े। अमेरिका ने जापान के ऊपर 6 अगस्त 1945 को जो सबसे पहला परमाणु बम गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था और उसे मेजर पॉल ने एनोला गे नाम के USAF B-29 बॉम्बर से हिरोशिमा पर गिराया था। लिटिल बॉय का वजन 9700 किलोग्राम था और इसकी मारक क्षमता 20 किलो टन से कम थी। लेकिन इसके बाद उसे परमाणु बम बनाने में दुनिया तरक्की करती चली गई और रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम तैयार कर लिया। तो वहीं पाकिस्तान के जनरल ने भारत को बहुत बड़ी धमकी दी है, वो धमकी क्या है आपको बता दें। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने हाल ही में इस्लामाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में दिए गए एक संबोधन में धमकी दी है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम भारत केंद्रित है। इसके अलावा उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, पाकिस्तान के प्रति भारत के शत्रुतापूर्ण नजरिए के कारण पाकिस्तान अब पूर्ण स्पेक्ट्रम निवारक यानी FSD विकसित कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत को चुनौती देते हुए भारत की बड़े पैमाने पर प्रतिशोध नीति की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान न केवल भारत के परमाणु हमले से बचेगा बल्कि तथाकथित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD S-400 मिसाइल होने के बावजूद महत्वपूर्ण भारतीय लक्ष्यों को मारकर उचित तरीके से जवाब भी देगा। यानी कि उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी SSM कुछ मीटर के भीतर लक्ष्य को मार सकते हैं जिससे भारत की मिसाइल और रक्षा प्रणालियों
को आसानी से निष्क्रिय किया जा सकता है, इनएक्टिव किया जा सकता है। यानी कि इन्होंने भारत को डायरेक्टली चेतावनी दी है कि S-400 मिसाइल भी भारत को बचा नहीं पाएगी अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों से हमला किया तो। बहरहाल एक भारतीय होने के नाते दोस्तों पाकिस्तान के इस परमाणु हथियारों के जनक को आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत आज वो चीज है जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान को लगता है कि वो हमला कर देगा तो भारत हाथ खड़े कर देगा, जबकि इतिहास गवाह रहा है कि हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी उसके बावजूद भी उसके बोल में झुकाव आता दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका के रेड लाइन वाले बयान पर जयशंकर जी की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, कहा राजदूत है वही बोलेंगे जो उनके मुताबिक उनकी सरकार की पोजीशन है। जी हाँ, अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश पर कुछ जानकारी भारत को दी है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारत उस जानकारी के आधार पर जांच कर रहा है। जयशंकर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। गारसेटी ने पन्नू वाले केस के संदर्भ में कहा था कि दोनों देशों के बीच एक रेड लाइन है जिसे क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने पन्नू को आतंकी घोषित कर रखा है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है। वो लगातार भारत के खिलाफ धमकियां जारी करता रहता है। इसके बावजूद पन्नू का बचाव करते हुए गारसेटी ने कहा कि अमेरिकी सिस्टम फ्री स्पीच की रक्षा करता है। अमेरिकी राजदूत ने कहा था कि हमारे कानून के तहत अगर किसी अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी अदालत में दोषी ठहराया जाना है या किसी अन्य देश में आपराधिक मामले के लिए निर्वासित किया जाना है तो उसे हमारे कानून का पालन करना होगा। गारसेटी के इस बयान को लेकर पत्रकारों ने जब जयशंकर जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अमेरिकी राजदूत एक राजदूत के रूप में वही कहेंगे जो उनके मुताबिक उनकी सरकार की पोजीशन है। मेरी सरकार की पोजीशन यह है कि इस मामले में हमें कुछ जानकारी मुहैया कराई गई है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। पन्नू मामले पर ANI से बातचीत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने रेड लाइन का जिक्र किया था। इसमें आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, जो इनडायरेक्टली भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि लाल रेखा को क्रॉस ना करें। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ अमेरिका से बड़ी खबर, अमेरिका में भाजपा समर्थकों ने निकाली कार रैली, 20 शहरों से 300 लोगों ने लिया हिस्सा। जी हां, अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के समर्थन में 20 अलग अलग शहरों में कार रैलियां निकाली। उन्होंने भारत के लोगों से आगामी चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA को 400 से अधिक सीट दिलाकर भारी बहुमत से विजयी बनाने का आग्रह किया। OFBJP USA के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने कहा कि अमेरिका में भारतीय समुदाय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और NDA को 400 से अधिक सीट पर जीतता देखने के लिए बहुत उत्साहित है। मैंने भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में ऐसा उत्साह इससे पहले कभी नहीं देखा था। OFBJP USA के राष्ट्रीय महासचिव वासुदेव पटेल ने कहा कि OFBJP द्वारा पूर्वी तट से पश्चिमी तट और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 20 शहरों में आयोजित कार रैलियों में लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया है। जी हां, अमेरिका की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में सिख समुदाय के लोगों ने भी PM मोदी के समर्थन में कार रैलियां निकाल ली थी। जी हां, उन्होंने बताया कि भाजपा की जीत न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया में भी शांति और स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, क्या फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे या कोई और होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी आपके हिसाब से कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां भारत के इस मिसाइल ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद, आखिर क्या कहा बता दें। भारत ने बीते महीने 1 मार्च 2024 को Agni-5 के परीक्षण में सफलता हासिल की थी। यह देश की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। DRDO के इस सफलता से जहां देश में खुशी का माहौल है तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान बेस्ट वर्ल्ड इको न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में Agni-5 मिसाइल पर विस्तृत चर्चा की है। रिपोर्ट में बताया गया कि Agni-5 को लेकर भारत ने दावा किया है कि यह चीन तक दूरी को सटीक लक्ष्य साधने में माहिर है। यही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया है कि MIR वेद Agni-5 को लेकर भारत की ओर से चीन के परमाणु आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। MIRV तकनीक के माध्यम से भारत पनडुब्बी आधारित मिसाइलों में और सक्षम हुआ है। इसे दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की अधिकता को लेकर रेस और ज्यादा तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानियों की बचाई जान तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने क्या कहा आपको बता दें। इंडियन नेवी ने हाल के दिनों में एक बार फिर पाकिस्तान के 23 मछुआरों की समुद्री लुटेरों से जान बचाई, जिसके बाद पाकिस्तानी डिप्लोमेट डॉक्टर कमर चीमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना समुद्र में आज मजबूत होती दिखाई दे रही है, लगातार विदेशी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचा रही है। इससे साफ हो जाता है कि भारतीय नौसेना अब समुद्र में काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दरअसल पिछले सप्ताह अदन की खाड़ी में सोमालिया के 9 लुटेरों ने गन पॉइंट पर पाकिस्तान के 23 मछुआरों और उनके जहाज को पकड़ लिया, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने अपने लड़ाकू जहाजों की मदद से करीब 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी पाकिस्तानी मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया और सोमालियाई लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पाकिस्तान के नागरिकों ने ना सिर्फ इंडियन नेवी को थैंक यू कहा बल्कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जी हां, इस पर पाकिस्तान के जानकार कमर चीमा ने भारत की जमकर तारीफ की, नौसेना का महिमा मंडन किया भारतीय नौसेना का। उन्होंने कहा कि इस तरह विदेशी ताकतें तब काम करती हैं जब
वो खुद इस तरह के मामलों में फंस जाए या फिर जब वो काफी मजबूत हो। कमर चीमा ने कहा कि भारतीय नौसेना ने इस तरह का रेस्क्यू अभियान चलाकर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है कि भारतीय नौसेना न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में जाकर भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। ऐसे में आप भी इंडियन नेवी को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दे, बांग्लादेश में बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाने वालों को शेख हसीना ने लगाई लताड़, फिर कह दी ये बात। जी हां, बांग्लादेश में विपक्षी नेता भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहा है, उसने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम बॉयकॉट इंडिया दिया गया है। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली शेख हसीना ने जब लगातार चौथी बार चुनाव जीता तब से विपक्ष भारत को लेकर और ज्यादा मुखर है। विपक्ष द्वारा लगातार चलाए जा रहे इस कैंपेन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी है। शेख हसीना भारत का बहिष्कार अभियान को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गई है। उधर विरोधियों द्वारा हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी को भारत समर्थक करार देने की कोशिश की जा रही है और दावा किया गया है कि भारत ने हसीना को जनवरी में हुए चुनाव को जीतने में मदद की। विपक्ष ने बांग्लादेश के लोगों से भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की, तो वहीं पीएम हसीना ने इंडिया आउट कैंपेन चलाने के लिए विपक्षी पार्टी बीएनपी पर हमला बोला और कहा कि विपक्षी दल के नेता पहले अपने घर में रखी भारतीय साड़ियों को जलाएं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों की रसोई में रखा हुआ अधिकांश सामान भारत का ही है। बता दें कि शेख हसीना ने कई मौकों पर भारत को अपना सबसे अच्छा मित्र बताया है। ढाका में आवामी लीग कार्यालय में हसीना ने पूछा कि विपक्षी बीएनपी नेता भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, वे अपनी पत्नियों को क्यों नहीं ले जा रहे हैं। आपको बताते हैं उन्होंने दोबारा ये बयान दिया दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी साड़ी वाली बात शेख हसीना ने कही थी। अगली खबर आपको बता दें, जहां पुतिन के एक्शन से यूक्रेन में मच गया हाहाकार। एक ही दिन में 3 फाइटर जेट, 3 मिसाइल लॉन्चर और बारूद भंडार उड़ा दिए। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध तीसरे साल भी जारी है। यूक्रेनी शहरों को तबाह करने के बाद भी रूसी सेना ने यूक्रेन से अपने कदम पीछे नहीं किए हैं। एक तरफ यूक्रेनी सेना अपने पश्चिमी सहयोगियों से लड़ाकू विमान, हथियार और गोला बारूद के लिए टकटकी लगाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के नए एक्शन ने यूक्रेन की सेना में हाहाकार मचा दिया है। रशिया ने दावा किया है कि उसने एक दिन में यूक्रेन के 3 युद्धक विमान, 3 मिसाइल लॉन्चर और गोला बारूद के भंडार तबाह कर दिए हैं। क्रीमिया में एक लड़ाकू विमान की भीषण दुर्घटना का फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आने के कुछ दिनों बाद रशिया ने दावा किया कि उसने 3 यूक्रेनी युद्धक विमानों को मार गिराया है। अगली खबर बता दें, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ के पार। जी हां, रक्षा क्षेत्र में भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा है और 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें 32.5% का इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा होता है किसी एक देश के लिए अचानक से। जी हां, एसएमएस का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बता दें कि राजनाथ सिंह ने एक और पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय ने देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इस्तांबुल में कमाल करने वाले एक्रेम इमामोग्लू कैसे बने एर्दोगन के लिए चुनौती। मेयर ने उड़ाई तुर्की के राष्ट्रपति की नींद। जी हां, तुर्की में मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी को स्थानीय चुनाव में बहुत बड़ी जीत मिली है। इन चुनावों के साथ देश में एक नए नेता का भी उभार हो रहा है जिसकी लोकप्रियता दुनिया का ध्यान खींच रही है। ये नेता इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए एक्रेम अब एर्दोगन के लिए मुख्य चुनौती बनकर उभर रहे हैं। तुर्की के मजबूत व्यक्ति राष्ट्रपति एर्दोगन को इससे जबरदस्त राजनीतिक झटका लगा है। खास तौर से इस्तांबुल में हार एर्दोगन के लिए मुश्किलें पैदा करेगी, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान है और यहीं से उन्होंने 70 के दशक में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। ये वो भी राजनीति की शुरुआत में इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं और फिर देश के प्रधानमंत्री और अब राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे में दोस्तों, आप में से कौन कौन ये चाहता है कि तुर्की के राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर बदलने चाहिए, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा कौन कौन चाहता है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, कौन है विजय नायर जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था रिपोर्ट। केजरीवाल ने लिया बड़ा नाम। यहाँ दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। दिल्ली की राबुज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। सोमवार को उनकी रिमांड खत्म हो रही थी। जब उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस दौरान ईडी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ईडी ने जब यह बात अदालत में बताई तब केजरीवाल ने इस बात का खंडन भी नहीं किया। ये पहली बार है जब अदालत में इस मामले में दो मंत्रियों का नाम लिया गया है। माना यह जा रहा है कि अब शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज बहुत बुरे फंस सकते हैं। अब तक इस कथित घोटाले में इनके नाम नहीं आए थे और जैसे अब नाम आए हैं आतिशी पर भी अब ईडी का शिकंजा लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो भी जेल की हवा खा सकती है अगर जुर्म साबित होता है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या पूरी आम आदमी पार्टी एक बार में
खत्म हो जाएगी। जिन्होंने भ्रष्टाचार का ढकोसला देकर के पार्टी बनाई थी, आज वो भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय खुद भ्रष्टाचार में फंसकर गायब होती नजर आ रही है। इस पर आपका क्या राय होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको अगली खबर बताते, हिमंता बिश्व शर्मा पर बदरुद्दीन अजमल का पलटवार, कहा मेरी साथ औलादे, आपसे पूछकर नहीं करूंगा अगली शादी। जी हिमंता बिश्व शर्मा ऐसे नेता है जो ज्यादा समय तक लाइमलाइट से दूर नहीं रहते। अब देखिए ना, उन्होंने असम के चर्चित नेता और AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल पर शादी को लेकर तंज कसा, तो बदरुद्दीन अजमल ने वापस उन पर पलटवार किया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर हमको शादी करनी होगी तो आपसे इजाजत लेने नहीं आएंगे बल्कि कर लेंगे। इतना ही नहीं, बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेसी नेता रकीबुल हुसैन पर भी पलटवार करते हुए कहा कि मेरी सात औलादे हैं, उनके पास सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की ताकत है। असल में ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब हाल ही में असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल पर हमला बोलते हुए कहा था कि अजमल को चुनाव से पहले शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद UCC समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ जाएगा। जी हाँ, जिसके बाद बदरुद्दीन अजमल ने हिमंता को जवाब दिया। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलता है अगली बड़ी खबर, बहुत बहुत धन्यवाद।